नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एमसीक्यू टाइप। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, पहला, हु रोट द व्हील ऑफ फायर, ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई एक किताब है, विल्सन नाइट ने लिखी थी, WK, याद रखिएगा। हु इम्फेटिकली सेज दैट ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज शेक्सपियर्स फर्स्ट एंड इनडीड ओनली कम्प्लीट वर्क, J.M. रॉबर्टसन ने ये लिखी थी। आगे हम आएंगे, ही क्लेम्स टू हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, दिस वॉज प्रीफिक्स्ड टू हिज एडिशन ऑफ द प्लेज 1709। ही इज निकोलस रॉव, फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी शेक्सपियर पे लिखी थी। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन, ये माता पिता हो गए जॉन शेक्सपियर और मैरी एडन। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, ये 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अब पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था, तो ये कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन आंसर है इसका स्टेडफोर्ड अपॉन एवन, ये यहाँ पे दिया है, आप याद रखेंगे कि इसमें अपॉन आता है। शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज द किंग्स न्यू स्कूल, ग्रामर स्कूल का ही नाम है द किंग्स न्यू स्कूल। वाल्टर रॉक, सिमोन हंट एंड थॉमस जेंकिंस, ये सभी इसके टीचर और मास्टर वहाँ पे थे इस स्कूल में, द किंग्स न्यू स्कूल में या ग्रामर स्कूल का ये। और टाइगर हार्ट रैप्ड इन ए वुमेंस हाइड, ये लाइन कहाँ कही गई है, तो हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में कही गई है। शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट एक्टर, वो एक अच्छे राइटर प्ले राइटर थे नो डाउट बट एक्टर अच्छे नहीं थे। Who claimed that Shakespeare died a papist? Shakespeare died a papist. याद रखना, Richard Davies, a clergyman, में ये कहा गया। Indian Empire or no Indian Empire, we can do without Shakespeare. ये कार्लाइल ने उनके बारे में कहा था। To what do a quarto and a folio Shakespeare originally refer? Size of the work. When did the second folio of Shakespeare appear? 1632 में इनका सेकंड फोलियो आता, लेकिन सवाल उठता है फर्स्ट कब आया, तो 1623 में आता सेकंड, 1632 में वैन थर्ड फोलियो पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो थर्ड फोलियो इनका आया था आपका, देखिए 1663 में, और फोर्थ फोलियो पूछा है तो 1685 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर फाइट विद द ब्रेट्स, पार्ट्स ए W. पोलार्ड ने, और हम देखेंगे यहाँ पे हुज एसेज हु रॉट हेनरी एट, ये एसे का नाम है, राइटर ने पूछ रहा इसका, हु रॉट हेनरी एट ये किसने लिखा, तो जेम्स स्पेंडिंग ने लिखा था। द एसे ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, इट इज रिटन बाय थॉमस डी क्वेंसी ने। अच्छा, यहाँ पे देखिए लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बुराई की है यहाँ पे। यू मैनी फाइंड मैनी मेन सीन्स इन सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज किंग लियर फॉर इंस्टेंस, वेयर द लैंग्वेज इज सो आर्टिफिशियल, सो क्यूरियसली टॉर्चर्ड एंड सो डिफिकल्ट दैट एवरी स्पीच हैज़ टू बी रीड टू और थ्री टाइम्स बिफोर इट्स मीनिंग कैन बी कॉम्प्रहेंड, कहीं कहीं बार पढ़ के आपके समझ में आएगा, ऐसी भाषा किंग लियर में यूज की है विलियम शेक्सपियर ने, ये कह के बुराई कर रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। धन्यवाद आज के लिए।